अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस अमन, आज के हम जर्नल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन सोलर पावर जनरेशन, यानी सोलर पावर जनरेशन के मसाइल के बारे में बयान करें, डिस्कस करें। सोलर पावर जनरेशन, सोलर पावर इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दिस डेज। सोलर एनर्जी इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज अवेलेबल टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इज सेफ एंड कॉजेस नो पोल्यूशन बट स्टिल हैज सर्टेन प्रॉब्लम। The major problem is the high initial cost of solar panels and storage batteries. यानी आप हम इसमें पढ़ रहे हैं कि सोलर पावर जनरेशन जो है इसके हमें मसाइल क्या क्या पेश आते हैं। सोलर पावर इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज, यानी आजकल सोलर पावर बहुत मशहूर हो रही है। सोलर एनर्जी इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है काबिल तजदीद एनर्जी है। एंड इज अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज अवेलेबल टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हर किसी को बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। यानी आजकल सोलर पावर बहुत मशहूर हो रही है। सोलर एनर्जी काबिल तजदीद एनर्जी है, यानी जो है, और ये हर किसी को बिल्कुल मुफ्त जो है अवेलेबल होती है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग सोलर एनर्जी इज सेफ एंड कॉजेस नो पोल्यूशन बट स्टिल हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स। यानी सोलर एनर्जी से बिजली बनाना बहुत महफूज है और कोई आलूदगी भी नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ मसाइल हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स एंड स्टोरेज बैटरीज। सबसे बड़ा मसला सोलर एनर्जी पैनल और स्टोरेज बैटरीज की इब्तदाई ज़्यादा, यानी शुरू से ही ज़्यादा कीमतें हैं। यानी इसमें हमने पढ़ा कि सोलर पावर जनरेशन के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, कि आजकल सोलर पावर बहुत मशहूर हो रही है, सोलर एनर्जी काबिल तजदीद एनर्जी है और यह बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। सोलर एनर्जी से बिजली बनाना बहुत महफूज है और कोई आलूदगी भी नहीं होती, लेकिन इसके भी कुछ मसाइल हैं। कि सबसे बड़ा मसला सोलर एनर्जी पैनल्स और स्टोरेज बैटरीज की इब्तदाई तौर पर ज़्यादा कीमतें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके जो है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।